नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मैं राधिका गुप्ता और आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम बात करने वाले हैं आपके पादप हार्मोन के के बारे में यानी कि कितने अलग अलग प्रकार के, प्लांट के हॉर्मोन उपस्थित होते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई जाती है तो आज है आपका डे सिक्सटीन यानी कि इक्कीस दिन इक्कीस मैराथन में हमने लगातार अपने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया जिसमें एक एक करके हमने वन शॉर्ट थ्योरी भी पढ़ी है और समझा है कि किस प्रकार से आपके में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एक बार मुझे जल्दी से बताइएगा कल हमने एनिमल किंगडम का टॉपिक किया था वहां कोई समस्या कोई समाधान कोई परेशानी किसी को लगी हो तो भाई एक बार जल्दी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे जिसको भी यहाँ पर बिल्कुल ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने भाई बंधुओं तक जो नहीं जुड़ पाए हैं जिनको नहीं पता है कि आपकी क्लास शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले एक बार बताएंगे भाई कल एनिमल किंगडम पढ़ा था और उसका एक भाग पढ़ा था इन्वर्टिव का वहां तक चीजें क्लियर हो गई थी कि नहीं क्योंकि अब शुरू करेंगे पहले आपका जो कल पार्ट रह गया था वाला उसके बाद शुरू करेंगे आपका प्लांट का हार्मोन टॉपिक कंप्लीट होगा बट पहले हम जो कल थोड़ा सा पार्ट आपका रह गया था उसको यहां पर पर करते हैं हैं को जिसको हम या के नाम से यहां पर जानते ठीक है एक बार जल्दी जल्दी से बता दो भाई सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है नहीं कोई बफरिंग नहीं हो रही है सब कुछ ठीक है एक बार रिफ्रेश कर लेना आई होप क्लियर राइट हाँ तो सबसे पहले कल जितने भी योग कशेरुकीय पढ़े थे देखो उसके आगे की चीजें जरा मैं आपको अभी यहां पर बता दूं आज पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा। अब कॉडेटा में सारे क्या आते हैं कशेरुक आते हैं उन कशेरुक जीवों में एक खास विशेषता क्या होती है कि इनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी कि आप कह सकते हो कि दे हैव अ कॉलम और इसको अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैम मैं कुछ इस प्रकार से देख सकता हूं कि अब तक मैंने जितने भी कीड़े देखे जितने भी अलग अलग जीव देखे इनके पास क्या नहीं थी इनके पास रीढ़ की हड्डी यहाँ पर नहीं थी आप जरा कुछ इसको देखेंगे ये क्या है एक भ्रूण दिखाई दे रहा है एक आप नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है एक्सप्लेन बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इससे इससे बड़ा difference और इससे बड़ा डिफरेंस और जो कंफ्यूजन है ना वो तो किसी के मन में हो ही नहीं सकता कि अगर मैं बात करूं कशेरुक तुम ये देख रहे हो एक भ्रूण का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि कैसे एक बच्चे का विकास होता है कैसे एक बच्चे की डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मुझे मिलती है इसके अंदर क्या आ जाता है एक वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ पूरी ग्रो करती है और यही अगर मैं किसी मछली के लार्वा से कंपेयर करू की भाई मछली के अंदर भी तो बच्चे का विकास होता है वहां पर भी स्टार्टिंग में क्या आती है मां में एक, एक रीढ़ की हड्डी यहां पर आती है मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और इनको अभी कोई दुविधा लग रही गुड मॉर्निंग देखिए गुड मॉर्निंग सभी को भैया गुड मॉर्निंग हो गई है मैडम का बर्थडे नहीं है तुम रोज रोज मैडम का बर्थडे मत मनाया करो आ जाओ जरा टॉपिक की तरफ तो हम इसी की बात कर रहे हैं जितने भी कशेरुक होते हैं ना जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और जिसमें इन वर्टिब्रेट्स हैं उन दोनों में एक अंतर है अंतर क्या है एक बैकबोन का एक रीढ़ की हड्डी का और वही रीढ़ की हड्डी अकशेरुकीय में नहीं थी यहाँ पर है ये हम देख रहे हैं ना पीछे की तरफ हमारी एक बैकबोन बनती है और उसके आगे एक पतली सी नस जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ये एक मछली का हो किसी मेंढक की बात करें किसी जंतु की बात करें वो सब यहाँ पर इसके अंदर आते हैं ठीक है भाई बोलो समझ आ रहा है कि नहीं तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्टिब्रेट क्या है मैं उनकी क्या क्या विशेषताएं दे सकता हूँ चार पॉइंट बताइएगा कि देखिए सबसे पहले इनके पास पाया जाता है कुछ इस प्रकार से एक वर्टिब्रल कॉलम ये वाला भाग इसके आगे क्या होता है मैम ये हिस्सा जैसे हम कहते हैं इसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि डोरसलिक नर्व कॉर्ड एक नोटोकॉर्ड ये दो भाग हो गए पीछे पूंछ पाई जाती है ये हिस्सा कभी हमने जो जितने भी कल कीड़े पड़े थे तितली पड़ी थी इनके पास क्या नहीं थी मैम इनके पास पूंछ नहीं थी इनके पास कोई टेल नहीं थी बट यहाँ कशेरुखी में पूंछ होती है आपको पता है जितने भी जानवर हैं लगभग उनके पास हमें पूंछ दिखती है और यही मैं कंपेयर करूं मानव से तो मानव के पास भी पहले जो गोरला चिमपेंजी थे अब तो इवॉल्व होकर आ गए उनके पास भी पूँछ उपस्थित होती थी ठीक है अब नहीं है वो कहानी अलग है How many bones in तो देखिए भी हम मानव की बात करते हैं, उसमें 26 पाई जाती हैं। एक के जब बच्चा पैदा होता है ना तो तेतीस -ते हड्डियों के साथ होता है ठीक है तो ये कहानी होती है तीसरा भाग पूछ के बारे में और इसके पास पाए जाते हैं कुछ गिल्सलेट्स जिसको आप गलफड़े यहाँ पर कहोगे या धीरे धीरे करके यही हमारे लंग्स में विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं यही हमारे लंग्स के अंदर फेफड़ों में विकसित होते हुए नजर आते हैं तो ये चार पॉइंट तो हमें याद रखने ही है किसके मानव के भ्रूण कोशिका में ये सारे फीचर्स आपके उपस्थित होते हैं पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से मुझे एक बार बताओ क्यों भाई फटाफट से बताइए कि मैम वर्टिब्रेट्स मतलब ये अब मैंने एक डिवीजन बताया था कि वर्टिब्रेट्स को हम ऑलरेडी दो भागों में बांटते हैं एक में मछली आती है और एक में वो जिनके पास चार हाथ पांव दिखते हैं ठीक है चलिए तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला भाग जो आएगा उसमें आती है हमारी सारी मछलियां ये जितनी भी मछलियां दिखाई देती हैं कुछ गोल मुंह वाली कुछ पानी के अंदर आपको चपटे मुंह वाली नजर आएंगी ये सारी की सारी मछलियां होती हैं जो पाइसेस वाले एक संघ में आती हैं जो हमने वर्टिब्रेट्स का पहला डिवीजन बनाया है एक रफ आप चार्ट जो है वो दोबारा से चाहो तो इसका बना सकते हो कल ही हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि वर्टी ब्रेड्स अगर हैं यानि कि कशेरुकीय अगर हैं तो भाई कशेरुकियों को पहला भाग हमने किसमें दिया पाइसिस में यानि कि मीन जिसमें आती हैं मछलियां। अब मछली के पास हाथ पांव तो नहीं है मैम फिंस होते हैं और दूसरा भाग क्या आता है उसको हम कहते हैं टेट्रापोडा ठीक है दूसरे वाले भाग को क्या कहा जाता है टेट्रापोडा कहा जाता है टेट्रापोडा में आते हैं फिर से जिन्हें हम देखते हैं कि आपके उभैचर हैं एम्फीबियन है या फिर रेप्टाइल है सरीसरप पक्षी जिनको एव्स कहते हैं और स्तनधारी जिसको मैमल्स के नाम से जानते हैं तो आज जो हमें पढ़ना है ना वो इन सबको पढ़ना है पहला कैटेगरी हमारी पाइसेस या मछलियों की रहने वाली है ठीक है जल्दी से बताओ बात क्लियर हुई यही पार्ट लिखा था और कल हमने अकशेरुकीय को कैसे याद किया था कि पीसी चाय पीने आ मैं तो आ गया तो एक छोटी सी ट्रिक बताई थी ना कल वहां पे कि पीसी चाय पीने आती है तुमने उसको बुलाया है कि मैं तो आ गया तू भी आ जा क्यों भाई जल्दी से बताओ एक बार ठीक है तो हमें इसको पढ़ना है सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किसके बारे में हमारी मछलियों के बारे में जो ये अलग अलग नजर आती हैं मछलियों की खास विशेषताएं क्या दिखती हैं देखो कुछ मछलियां लोग खाते भी हैं है ना और कुछ जहरीली मछलियां भी होती हैं जो कि सेवन नहीं करना चाहिए तो इनकी खास विशेषताओं में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जैसे मैं यूजली किसी भी मछली को देखूँ तो ये पानी में तैरती हैं इनकी बॉडी स्ट्रीम होती है ये तैरने के लिए इनकी बॉडी बनी हुई होती है ठीक है कैसे होती है मैम कुछ इस प्रकार से एक सेकेंड ये आप देखते हो ना किसी भी मछली का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता है ये बॉडी में क्या है इसके स्ट्रीमलाइन बॉडी है आसानी से ये तैर सकती है ये कुछ इसके अलग अलग फिन जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं अच्छा दूसरी चीज इसकी बॉडी पे कुछ स्केल्स भी पाए जाते हैं तुम्हें याद है बचपन में जो तुम डायग्राम बनाते थे तो उसमें कुछ इस प्रकार के स्केल्स बने हुए रहते थे क्यों भाई कितनों को याद है कुछ ऐसी सुंदर सी एक मछली बनाते थे कि नहीं जल्दी से बताओ एक बार ना सेशन को देखो फटाफट से शेयर कर देना जो भी भाई बंधु अभी तक नहीं आ पाए हैं जिनको नहीं पता है कि मैम सुबह की 11 बजे क्लास चलती ही चलती है ठीक है तो आपकी क्लास में हम जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ अगर ये सोच रहे हैं मैम एक घंटे में ही क्लास खत्म कर दो तो बेटा फॉर्मेलिटी मुझे करनी आती नहीं कि सिर्फ एक घंटे जस्ट तुम्हारे एक सेशन लेने के लिए मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊं और एक घंटे बाद क्लास बंद कर दू मैंने कहा था टॉपिक पूरा कराना है और टॉपिक के लिए चाहे सवा घंटे लगे चाहे डेढ़ घंटे लगे चाहे दो घंटे लगे वो टॉपिक आपको मैं पूरा कराऊंगी यहाँ पे उसके लिए ये मत सोचना कि मैम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पचास मिनट या एक घंटे क्लास लेकर के बंद कर देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आपको ऐसी कोई क्लास देखनी है तो आप कहीं भी भी देख सकते हो राइट right? अच्छा पीडीएफ पहुंच चुकी है रैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप एक बार पीडीएफ ले ले लेना कल वाली क्लास की भी आज की आज की क्लास के बाद तुरंत से पहुंच जाएगी अब मैं कह रही हूं मछली है तो मछली के फीचर्स क्या है देखो भाई यहां पर नॉर्मली uh, हम क्या कहते हैं कि इसके पास लोकोमोशन के लिए एक पूछ पाई जाती है जो नॉर्मल हम देखते हैं ना इस टाइप की एक पूछ पाई जाती है इसकी पूरी बॉडी पर क्या होता है मैम स्केल उपस्थित होते हैं इनके पास पिन यहाँ पर पाए जाते हैं ये सारे फीचर्स हम किसमें देखते हैं मछलियों में देखिए गोल्डन मछली गोल्डन फिश जिसके पास क्या है मैम स्केल्स हैं छोटे छोटे बॉडी के ऊपर कुछ के स्केल्स आपको दिखाई देते हैं तो मछलियों में बहुत सारी आती हैं रोहू और कटला नाम की मछली लोग खाते भी हैं ठीक है, है? रोहू और कटला नाम की मछली को लोग खाते भी हैं तो बहुत सारी इस प्रकार की मछलियां जो हैं वो आपको इस संघ के अंदर यानी कि पाइसिस नामक संघ के अंदर दिखाई देती हैं जो कशेरुकीय का एक पहला भाग होता है और इसके अंदर क्या है मुख्य विशेषता कि मैम यहाँ पूंछ भी है यहाँ रीढ़ की हड्डी भी है तो ये फीचर्स हम मछलियों के देखते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मछलियां आपको दिखाई देती हैं इनकी मुख्य विशेषता ये रीढ़ की हड्डी बन जाती है अब देखो दूसरा भाग जो आता है उसको टेट्रापोडा कहते हैं टेट्रा मतलब चार पोडा मतलब हाथ व पाओ मतलब कुछ ना कुछ अपेंडेजेस की ही मैं बात कर रही हूँ बोलो हाँ की ना भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं एक थम्सअप का साइन भेज दो फटाफट से सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं एक थम्सअप का साइन जल्दी से, से सेशन में भेजेंगे कि मैम अपने को तो सारा कुछ क्लियर हो रहा है स्नेक कौन सी कैटेगरी में आता है वर्टिब्रेट्स या एनवोटिब्रेड्स अभी आएगा स्नेक भी आएगा थम जाओ तो मैम ये है रीढ़ की हड्डी और इसी आधार पे हमने क्या किया हमने इन सारे जानवरों में से अगला भाग मछलियों के बाद अगला भाग टेट्रापोडा का आया टेट्रापोडा में देख रहे हो दो और दो अब ऐसे जीव तुम्हें मेंढक में भी दिखते हैं ऐसे छिपकली भी दिखती है गिरगिट भी दिखता है सांप है मगरमच्छ है ये सब इसके अंदर आते हैं ऐसे तो होते हैं दो हाथ दो पांव तो इसी में सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे जिसको एम्फीबियन कहते हैं एम्फीबियन में मेंढक में आते हैं मतलब मैम नाम दिख जाए ना कहीं एम्फीबियन तो मुझे कुछ नहीं सोचना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मेंढक को दिमाग में लेके आना है ये मेंढक और इसकी सारी प्रजातियां इसके जितने भी भाई बंधु होते हैं जैसे कि बुल फ्रॉग टेटबोल एलिमेंडर ठीक है ट्री फ्रॉग हो गया वुड फ्रॉग हो गया जितने भी अलग-अलग मेंढक के दिखने जैसे भाई बंधु हैं उसके घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं मेंढक मतलब एम्फीबियन मतलब उभयचर इनकी विशेषताओं में एक विशेषता होती है जिसे आप मुख्य विशेषता इसकी कहते हो कि ये दोनों जगह पर रह सकता है एम्फी मतलब होता है दो बीएन मतलब होता है लाइफ ये दो जगह जीवन यापन कैसे करता है पानी में भी रहता है और ये धरती पर भी रहता है बोलो रहता है कि नहीं रहता क्यों भाई पानी में भी रहता है और धरती पर भी जैसे सारी मछलियां पाइसिस में थी ना ऐसे सारे मेंढक इसके अंदर आते हैं अब मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि मैम जितने भी मेंढक होते हैं सांस कैसे लेते हैं दोनों जगह तो रह रहे हैं मगर ये सांस कैसे लेते हैं इनका श्वसन अंग क्या है फटाफट से बताओ इनका श्वसन अंग क्या होगा अरे मैडम हमें लगा था फेफड़े होंगे भाई देखो ये दोनों जगह रह रहा है इस मेंढक को ध्यान से देखो जब ये पानी में जाएगा ना तो इसकी जो बाहर की नम त्वचा है वो काम करती है एक श्वसन अंग की तरह जब ये पानी में जाएगा लेकिन मैम यहाँ पर इसके लंग्स भी पाए जाते हैं इसके पास फेफड़े भी उपस्थित होते हैं जब ये धरती पर आ जाता है ना ये मछली नहीं है कि मछली जल की रानी है और बाहर निकालो तो मर जाएगी ये तो बाहर रह लेता है ठीक है ये मरता नहीं है इसके पास क्यों मई क्यों यहाँ पर ये देखो धड़क रहा है इसके जो लंग्स होते हैं हैं ना वो यहाँ पर काम कर रहे कि अभी भी इसकी श्वसन की क्रिया चल रही है तो मेंढक के पास दोनों ही चीजें लंग्स भी है और इसकी त्वचा भी है जो कार्य कर रही है दोनों प्रकार से आप किसको देख सकते हो मेंढक को ये हिस्सा कहलाता है इसके फेफड़ों का ठीक है ये आप देख सकते हो ये वाला भाग है इसके का ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जैसे हम अपनी बॉडी में करते हैं वैसे ही यहां पर दिखाई देता है सिमिलरली जब ये पानी में जाएगा तो इसकी त्वचा ही कैसा काम करती है नम त्वचा कार्य करेगी श्वसन अंग का ठीक है मैम क्या आप फिश खाते हैं नहीं भाई मैं फिश बिल्कुल नहीं खाती हूँ देखो फिश के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि कोई भी इस प्रकार का सेवन आप लोग भी ना करें बाकी अपनी अपनी इच्छा है ना चलो तो खैर इसे हम कहते हैं मेंढक मेंढक के लिए और कुछ विशेषताओं की अगर बात की जाए यानी कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जितने भी उभचर होते हैं आप वहां पर बता सकते हैं कि देखिए इनका दोनों जगह जानवर पानी और जमीन दोनों में रहने के लिए है। इनके पास म्यूकस की कुछ ग्रंथियां होती है ठीक है म्यूकस की ग्रंथियां होती हैं जो कि त्वचा के नम रखने में मदद करती हैं म्यूकस ग्लैंड जिसको आप यहां पर कहते हो ये मॉइस्ट रखती हैं जब ये जानवर पानी में जाते हैं तो त्वचा के माध्यम से और जब जब ये जमीन पर होते हैं तो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं और इन्हें इनके अंदर तीन कक्ष पाए जाते हैं देखिए हमने पहला मछली पढ़ा था मछली में दो कक्ष का हृदय होता है जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था ना आपके इसी 21 दिन 21 मैराथन की क्लास में तब बताया था कि मछलियों में दो कक्ष का हृदय है ये एम्फीबियंस आए हैं इनके पास तीन कक्ष होंगे तीन कक्ष का मतलब दो ऊपर आलिंद है एक नीचे इसका निलय पाया जाता है तो मात्र तीन ही कक्ष होंगे जो कि इसके पास उपस्थित होते हैं और ये ठंडे खून वाले जिनको हमने कल ही पढ़ा था शीत रक्त तापी होते हैं बोलो क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताओ हाँ भाई क्लियर है कि नहीं तो मैम इसे कहा जाता है एम्फीबियन यानी कि जितने भी हमारे अलग अलग उभयचर होते हैं अब देखिए आगे बढ़ते हैं एम्फीबियन से आगे बढ़ेंगे तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि मैम छिपकली है सरीसरप है ये सब कहाँ आते हैं कभी देखा इन सब में कॉमन फीचर कॉमन फीचर क्या है ये देखो जरा ये भगत है भाई बाबा का रामदेव बाबा का ये योगा कर रहा है योगा कैसे कर रहा है प्रॉपरली आप देख सकते हो किस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज को यहाँ पर कर रहा है ठीक है लेकिन इसकी विशेषता क्या है मैम दो हाथ दो पांव दिख रहे हैं इसके दिख रहे हैं कि नहीं और साथ में ना ये रेंगता हुआ भी दिखाई देता है मतलब ऐसे जीव जो रेंग सकते हैं जो कि रेंगते हुए क्रॉलिंग मोशन कर सकते हैं उनको रेप्टाइल्स कहा जाता है ठीक है उसको रेप्टाइल कहा जाता है चाहे वो मगरमच्छ हो सांप हो चाहे वो गिरगिट हो चाहे वो आप यहाँ पर टर्टल की बात करो कछुआ है ये सारे जीव जो रेंग सकते हैं छिपकली से लेकर के गिरगिट से लेकर के सांप है कछुआ है ये सब इनको हम एक फीचर देते हैं कि ये रेप्टाइल्स में आते हैं रेंगते ही तो है सांप को देखो रेंग ही तो रहा है क्यों भाई बताइए समझ आ रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी से बताओ हाँ भाई फटाफट से बताओ मांग भरने की उम्र में आर्मी का फॉर्म भरा अभी भी अगर नहीं पढ़े ना तो फिर फॉर्म ही भरते रह जाओगे फिर फॉर्म के अलावा ये भी नहीं कहोगे कि सिलेक्शन ले रहे हैं तो इसीलिए वो बात अलग थोड़ी छोड़ दो थोड़ा सा ध्यान यहां दे लो उम्र चाहे जो भी हो एक सिलेक्शन हो जाएगा ना तो सारी चीजें सारी दुख दुविधा तुम्हारे जीवन की दूर हो जाएगी फिर तुम्हें कहना भी नहीं पड़ेगा कि आखिर मैं शादी करूँ तो किससे करूँ फिर अपने आप चीजें आप लोगों के लिए सॉर्ट होती चली जाएंगी तो मोटिव एक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कहते हैं ना मछली की आंख जैसे निशाना साधा गया था वैसे ही आप भी अपने सिलेक्शन के लिए अपने एग्जाम को टारगेट बना लीजिए कि अगर टारगेट करना है तो इसी को करना है और कुछ नहीं करना ठीक है फिर भले ही बाद में उम्र चाहे तुम्हारी निकल जाए या कुछ भी हो आपने सिलेक्शन ले लिया है अब तो कहानी चल ही जाएगी ठीक है भाई अब एक बार जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं चीजें क्लियर हो रही हैं तो सेशन को जल्दी से एक बार लाइक वाला बटन दबा देना जिसने भी कंजूसी कर रखी है सेशन को लाइक कर देना और फटाफट से अपने भाई बंधुओं तक शेयर करके आ जाना इसी प्रकार से आपका ये एनिमल किंगडम का रेप्टाइल वाला भाग होता है ये देखो एक और आया है ना एक और हस्ता मुस्कुराता हुआ ये भी क्रॉल ही कर रहा है ये भी दो हाथ और दो पाओं की मदद से किस में आता है रेप्टाइल्स में आता है इसे भी सरीसर हम यहाँ पर कहते हैं मतलब विशेषता समझेगी नहीं कि मैम इनके पास बेसिक फीचर क्या होना चाहिए वही जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं राइट तो आप लिख सकते हो कि ये क्रॉलिंग मोशन दिखाते हैं हरकत के लिए रेंगने वाले भाग प्रॉपर्टी को अपनाते हैं इनके भी शरीर पर क्या होते हैं स्केल पाए जाते हैं जैसे स्केल मछलियों में देखे थे ऐसे ही स्केल इनकी बॉडी पर होते हैं इनके अंदर भी तीन कक्ष का हृदय होता है बट एक अपवाद को छोड़ के मगरमच्छ को छोड़ के सारे के सारे सरिस छिपकली है या कछुआ है या टर्टल है सबके पास क्या है तीन चैम्बर का हार्ट है दो आलिंद एक नील लेकर के बैठे हैं लेकिन क्रोकोडाइल मगरमच्छ को छोड़ करके क्योंकि इसके पास चार चैम्बर का हृदय पाया जाता है कितना चार चैम्बर का हृदय पाया जाता है शाइनिंग स्टार फ्रॉग रेप्टाइल नहीं है फ्रॉग को हम ऑलरेडी एम्फीबियन के अंदर पढ़ चुके हैं तो दोबारा से नहीं पढ़ना है मैम उसे ठीक है दोबारा से नहीं पढ़ना है मैडम उसे यहाँ पर इन्हें पानी की जरूरत नहीं होती सभी मेंढक पानी में रह रहते थे अपने अंडे देते हैं पानी में देते हैं इनको पानी की जरूरत नहीं होती अंडे देने के लिए ये धरती पर भी अपने अंडे दे सकते हैं और क्योंकि ये अंडे देते हैं इनके बच्चों का जन्म अंडे में से निकल करके होता है तो इनको अंडज जीव कहा जाता है या ओवी कहा जाता है क्या कहते हैं ओवी या फिर आप लिख सकते हो अंडज ठीक है इनके पास बहुत हार्ड एक शेल होती है जिसको आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, कि एक बहुत हार्ड शेल से इनका जो जीव है अगला बच्चा है वो निकल करके बाहर आता है तो ये अंडज जीव है अंडे देते हैं और अंडे में से ही इनके बच्चे बाहर आते हैं चाहे हम कछुए की बात करें चाहे हम सांप के अंडो की बात करें ये सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बोलिए क्लियर है कि नहीं है फटाफट से बताओ एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या ये पार्ट क्लियर हुआ रेप्टाइल्स क्लियर हो गया सबको एक थम्स अप का साइन जल्दी से भेजना मैम टेक्नीशियन देखो टेक्नीशियन ए एल पी आर पी एफ आगे एन टी पी सी आएगा सर हर एग्जाम में आप लोगों को यह भाग मदद करेगा इसीलिए मैं तुम्हें थ्योरी वाला पार्ट करा रही हूँ कि कम से कम आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है ना मेन मुद्दा थ्योरी का अभी पढ़ के नोट्स बना लो बार बार समय नहीं मिलेगा फिर घबराओगे फिर परेशान हो गए फिर पैनिक में कि बताइए इतनी सारी साइंस को अब कैसे करूँ ठीक तो हमने दो भाग पढ़ लिए हैं अभी तक टिक मार्क लगा देंगे कि भाई मछली पड़ी सबसे पहले फिर हम आए किसके ऊपर उभयचर के ऊपर और फिर हमने रेप्टाइल्स पढ़े अब देखो अगला क्या आएगा अगला आता है पक्षी जिन्हें हम एव्स के अंदर रखते हैं मतलब लगभग वो सभी जो कि उड़ते हुए आपको नजर आते हैं उड़ रहे हैं मतलब इनके पास भी दो हाथ दो पाओ हैं बट गलती क्या हो गई मैडम यहाँ पे गलती ये हो गई कि इनके पास जो पंख बन जाते हैं ना